नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत लगातार अंतरिक्ष में भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। 14 जुलाई को जिस तरीके से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई, उसने बता दिया कि भारत अब इतिहास रचने के लिए तैयार है। और इसके बाद पूरे देश में दुआएं हो रही हैं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग अच्छी तरीके से हो जाए, पिछली बार की तरह कोई भी परेशानी ना आए। तो आपको बता दें कि इस वक्त भारत को सबसे बड़ी खुशखबरी मिल गई है और वो तारीख भी सामने आ गई है जिस दिन चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत चंद्र सतह पर एक बार फिर से सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास भारत ने किया है। अगर इसमें सफलता मिलती है तो भारत बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा और अमेरिका, पूर्वी सोवियत संघ और चीन जैसे देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा और ये कीर्तिमान बनाने वाला भारत विश्व का केवल चौथा देश बनेगा। चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान प्रक्षेपण के करीब एक महीने बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की उम्मीद बताई जा रही है और ये बताया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर उन्नीकृष्णन नैयर की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि 23 सितंबर तक सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है, जिससे अब भारत पूरी तरीके से गदगद महसूस कर रहा है और सबको उम्मीद है कि अब की भारत बड़ा इतिहास रचेगा। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने के लिए 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अंतरिक्षयान द्वारा ले जाए गए लैंडर के 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद भी जताई गई है। और इसी बीच अब जिस तरीके से बयान आ रहा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर उन्नीकृष्णन नैयर की तरफ से, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि पूरी तरीके से यह अभियान 23 सितंबर तक पूरा हो सकता है और भारत इतिहास रच सकता है। फिलहाल देखना होगा कि किस तरीके से चंद्रयान 3 सफल होता है, क्योंकि भारत अब पूरी तरीके से उम्मीद कर रहा है कि चंद्रयान 2 की तरह कोई भी गलती नहीं होगी और भारत इस बार इतिहास रचते हुए दुनिया का चौथा ऐसा देश बनेगा जो कि ये कीर्तिमान स्थापित करेगा। फिलहाल सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विक्रम साराभाई सेंटर के डायरेक्टर उन्नीकृष्णन नैयर। The LVM3 M4 launch vehicle has injected the Chandrayaan payload, Chandrayaan 3 spacecraft into the precise orbit, exactly what we wanted. That orbit it has been injected, and today onwards the onboard thrusters will be fired and the Chandrayaan will be taken away and away from Earth for an eventful landing on moon surface on August 23rd. So the vehicle systems yesterday performed extremely well. And because of that, the whatever initial conditions the spacecraft needed, we have provided very precisely. And since the first leg of the experiment is 100% success, since the spacecraft also is in a very good health, and the spacecraft will be able to go to moon on its own, using its own propulsion and its own logic, onboard logic, and will make a soft landing on 23rd September as of now.